आप लोग देख ही सकते हो कि अभी मैं थोड़ा सा फनी दिख रही हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत फनी दिख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जंगली हो गई हूँ एकदम, और अभी मैं जिंगालाला करने वाली हूँ। फिर इसके बाद उसे लगा कि वो नेचुरल सर्जरी कर सकता है इस नाक को, बट उसे क्या पता कि कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आफरीन और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये अमेजिंग सा ब्यूटीफुल मेकअप लुक। इस लुक को क्रिएट किया है अभिजीत ने, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है। इतने कम उम्र में इतना सुंदर मेकअप करता है, आप लोग देख ही सकते हो। एंड इस लुक को कैसे क्रिएट किया गया है, इसका पूरा ट्यूटोरियल आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये जो फेस है ना, इसमें हमेशा पिंपल्स, एक्ने, दाग धब्बे ये सब होते ही रहते। तो आज मैं बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से साफ कर लिया है, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये एसेंशियल स्पिरिट प्रीमियम रोज़ वाटर। ये रोज़ वाटर काफ़ी अच्छा है एंड 100% प्योर है। तो पहले आप इसको अच्छे से अप्लाई करके फिर इसको ड्राई होने तक छोड़ दें। फिर उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये एसेंशियल स्पिरिट एंटी एक्ने सीरम। तो इसको यूज़ मैं कर रही हूँ अपने हाथों पर लेके 2 या 3 ड्रॉप। उसके बाद फिंगर से अच्छे से मैं अपने फेस पे इसको लगा रही हूँ। फिर उसके बाद इसको जेंटली अपने फेस पे मसाज करना है जब तक ये कम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड ना हो जाए। तो ये हमारे चेहरे पर से जितने भी खील, मुहासे और उनके दाग धब्बे जो होते हैं ना, उसको अच्छे से मिटाता है। और ये चेहरे पर से जितने भी एक्सेस ऑयल होते हैं ना, उसको भी अच्छे से मिटाता है। मतलब जिनका ऑयली स्किन है ना, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस प्रॉपर्टीज है, जो कि खील मुहासे होने वाले वायरस और बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म करता है। इस सीरम की खास बात यह है कि ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल या फिर सिंथेटिक यूज़ नहीं किया गया है। और इसमें ओमेगा 6, विटामिन ई और फैटी एसिड भरपूर मात्रा में है, जो हमारे चेहरे को काफ़ी अच्छा बनाता है और पूरा पोषण भी देता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वाला प्रोडक्ट पसंद आए तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। प्रोडक्ट रिलेटेड सारी जानकारी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अभी मैं यहाँ पे अच्छे से बैठ के सेट हो गई हूँ और मेरे फेस में जितने भी धूल मिट्टी पोल्यूशन वगैरह थे वो उसको साफ कर रही है एक वाइप्स की मदद से। और उसके बाद मेरी जो फेस है एकदम चकाचक हो गई है। एंड उसके बाद वो यूज़ कर रहा है गुड वाइप्स का एक क्यूकम्बर टोनर। इससे मेरी जो फेस है वो एकदम चमेली की तरह खिली खिली सी हो गई है। और अभी वो यूज़ कर रहा है बायोटिक का मॉइस्चराइजर क्रीम, और इसको यूज़ करने के बाद मेरी जो फेस है वो एकदम रसगुल्ला की तरह हो गया है। तो अभी वो मेरे आईब्रोज को ड्रॉ कर रहा है, और ये चीज़ ना बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि मेरे तो आईब्रोज है ही नहीं। अब वर्स आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो तो पूरा मतलब रावण जैसे बना देते हैं। बट ये बेस्ट है, बेस्ट। और बेस्ट की तो बात अलग ही है, वो आपको लास्ट में दिखेगा। सो अभी वो मेरे आईब्रोज को सेट कर रहा है मेकअप स्टूडियो का कंसीलर से। अब वर्स आर्टिस्ट के बारे में तो मैं कुछ बताना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग तो आज तक किसी ने भी मेरे आईब्रोज को कभी सेट किया ही नहीं, उल्टा बिगाड़ने में तो वो लोग बिल्कुल एक्सपर्ट है। और आप लोग देख ही सकते हो कि अभी मैं थोड़ा सा फनी दिख रही हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत फनी दिख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जंगली हो गई हूँ एकदम, और अभी मैं जिंगालाला करने वाली हूँ। सो अभी वो मेरे आई लिड पे कंसीलर अप्लाई कर रहा है एक ब्रश की मदद से। एंड गाइस, उसके बाद वो एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रहा है। वर्स मेकअप आर्टिस्ट तो पिछली बार आपको पता ही है, पूरा कंसीलर ही मेरे आंखों में डाल दिया था, तो इस बार आप लोग देख ही सकते हो। तो जो भी हो, अभी एक लूज पाउडर की मदद से उसने सब कुछ सेट कर लिया है, और अभी स्टार्ट होने वाला है आई मेकअप। चलो इस मौके का फ़ायदा उठा के हम लोग थोड़ा सा मेलजोल बढ़ा लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं खाली अपने सब्सक्राइबर से ही अपना मेकअप करवाती हूँ, बेस्ट मेकअप। तो आप में से अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट हो और मेरा मेकअप करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टा में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर मुझे आप लोगों का काम पसंद आए तो मैं आप लोगों से अपना मेकअप जरूर करवाऊंगी। और वीडियो खत्म करने के बाद एंड में जाके बताना कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आप लोगों के मन में है आप लोग उसको बता सकते हो। और क्योंकि जज आप लोगों को ही करना है, क्योंकि ये सारे मेरे सब्सक्राइबर्स है जैसे कि आप लोग हो, तो इसीलिए जज आप लोगों को ही करना है। और आज तक मैंने जिनसे भी अपना मेकअप करवाया है, सबसे
कम उम्र का यही बंदा है और इनका जो काम है वो वाकई में काबिले तारीफ है। आईलाइनर वगैरह ऑलमोस्ट इन्होंने पहना दिया है, काफी अच्छा चल रहा है सब कुछ। वरना वोर्स मेकअप का तो आप लोगों को पता ही है, वहाँ से घर से निकलने के बाद तो मैं डायन बन जाती हूँ, कभी मोंजोली का चुड़ैल और सब्जी वाली और पता नहीं क्या क्या बना देते हैं यार, मेरे दिमाग में खुद ही नहीं है कि कितना कुछ बनती फिरती हूँ मैं। तो जो भी हो अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है एंड गाइज ऑलमोस्ट आई मेकअप हो गया है और अभी होने वाला है फेस मेकअप, क्योंकि जब तक फेस मेकअप नहीं होगा ना भूत की भूत ही दिखूंगी मैं। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं फेस मेकअप। तो अभी वो अप्लाई कर रहा है प्राइमर जो कि है लैक्मे का, ये प्राइमर काफ़ी अच्छा है और मेरे पास भी है। सो अभी वो यूज़ कर रहा है LA Girl Pro का कलर करेक्टर। वैसे वोर्स मेकअप करवाने के बाद मेरे फेस के तो 12 ही बज गए, अब क्या ही बताऊँ। तो इसीलिए मैं अपने फेस पे बहुत कुछ लगाती रहती हूँ ताकि थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहे, क्योंकि लड़की जो हूँ सुंदर तो दिखना है। सो अभी वो अप्लाई कर रहा है बेस मेकअप मेरे इस फेस को, मतलब मुझे गोरा बनाने के लिए, गोरा चिट्टा गोरा चिट्टी क्या कहते हैं पता नहीं। तो जो भी हो बेस मेकअप को वो एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रहा है और इसके बाद मैं एकदम ब्यूटीफुल बन गई हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि ये जो मेरी फेस है ये पूरा वाइट बॉल जैसा हो गया है, तो आप लोग रुको अभी होने वाला है कंटूर कंटूरिंग कंटूर जो भी हो, तो वो अभी होने वाला है एंड उसके बाद ये जो फेस है ना इसके परफेक्ट शेप मिलने वाला है। तो जो भी मेकअप करोगे ना इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना, वरना फेस ना एकदम वाइट धब्बा जैसा लगेगा। सो अभी थोड़ा बहुत हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो अभी यूज़ कर रहा है Maybelline का कंसीलर। ये कंसीलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर उसने एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और उसके बाद जहाँ पे उसने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे वो यूज़ कर रहा है लूज पाउडर ताकि सब कुछ परफेक्टली सेट हो जाए। बाद उसे लगा कि वो नेचुरल सर्जरी कर सकता है इस नाक को, बट उसे क्या पता कि कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैंने उसे कहा कि थोड़ी दिन रुक जाओ, किसी वोर्स आर्टिस्ट के पास जाऊंगी तो वो कर देंगे नेचुरल सर्जरी, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। सो जो भी हो अभी वो अप्लाई कर रहा है ब्लशर और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही हूँ, एकदम गुलाब जैसी लग रही हूँ। हाँ जस्ट जोकिंग। तो अभी L'Oreal का मेकअप फिक्स अप्लाई करने के बाद वो अभी अप्लाई कर रहा है हाइलाइटर। अब हाइलाइटर अगर ना लगाए हमारे जो फेस है इसमें अगर चमक ही ना आए तो लड़की होने का क्या फ़ायदा। फिर हाइलाइटर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको कभी भी स्किप मत करना। अब हम लड़कियों की जो लिप्स है ना वो एकदम फूल की पंखुड़ी जैसी है, तो उसको अच्छे से रंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अच्छे दिखोगे। और लास्ट में एक छोटा सा बिंदी तो बनता है। आज का ये जो ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक है इसको क्रिएट किया है अभिजीत ने, एंड अभिजीत इतने मतलब छोटे उम्र में इतना अच्छा मेकअप करता है मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग तो देख ही सकते हो बहुत ही प्यारी दिख रही हूँ, मतलब मेरा फेस पूरा एकदम बदल गया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभिजीत तुम्हें बोलो क्या कहना है अभी। अगर आप लोगों को मेरा मेकअप अच्छा लगे तो आप लोग मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दीदी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया होगा और मेरा नंबर भी होगा वहाँ पर। और आप लोगों को जो भी मेकअप करना है लाइक पार्टी मेकअप रिसेप्शन या ब्राइडल जो भी है, मैं बहुत मतलब कम प्राइस में रिजनेबल प्राइस में मैं कर देता हूँ, तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हाँ एकदम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी है, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर लेना। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि नंबर कहाँ पे है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी है, आप वहाँ पे जाके सब कुछ अभिजीत का इंस्टा पेज आप लोग चेक कर सकते हो, फेसबुक पेज चेक कर सकते हो, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक क्रिएट किया गया है। आपको जो पसंद आए आप उसे कह सकते हो, अपने स्पेशल डे को और भी स्पेशल करने के लिए आप लोग अभिजीत के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड अगर ये लुक पसंद आए, हम दोनों पसंद आए, मैं पसंद आई, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड गाइस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।